डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सोडियम वेपर लैम्प और इनकैंडिसेंट लैम्प के बारे में पढ़ा था, उसकी वर्किंग पढ़ी थी हमने। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मरकरी वेपर लैम्प। मरकरी वेपर लैम्प क्या होता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मरकरी वेपर लैम्प को एक गैस डिस्चार्ज लैम्प भी कहा जाता है। इसे गैस डिस्चार्ज लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वेपराइज मरकरी होती है उसके थ्रू जो आर्क प्रोड्यूस होगी उससे लाइट को प्रोड्यूस करता है। मतलब वेपराइज मरकरी से यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे गैस डिस्चार्ज लैम्प कहा जाता है। या इस लैम्प में दो ट्यूब होती हैं, एक जिसे आउटर बल्ब या इनर बल्ब भी कह सकते हैं, या आउटर ट्यूब या इनर ट्यूब। जो आउटर बल्ब होता है वो कोटेड होता है फॉस्फोरस से, और ये थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो इनर वाला जो ट्यूब होती है वो स्मॉल फ्यूज क्वार्ट्ज ट्यूब होती है, मतलब वो थोड़ी छोटी होगी। यहाँ पे ही आर्क का डिस्चार्ज होता है, और जो बड़ी वाली ट्यूब होती है वो कोटेड होती है फॉस्फोरस से, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और थर्मल इंसुलेशन यहाँ पर ही होता है। तो मरकरी वेपर लैम्प में ये जो दोनों ट्यूब हैं उनकी वर्किंग किस तरह से होती है, कैसे यहाँ पर जो मरकरी है वो वेपराइज होके कैसे लाइट प्रोड्यूस करती है, उसका हम एक वीडियो देखेंगे यहाँ पर कि कैसे उसकी वर्किंग होती है मरकरी वेपर लैम्प की। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए यहाँ पर। वीडियो बनाने के लिए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानने से पहले हम इसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे, और उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि देखिए यहाँ पर ये जो मरकरी वेपर लैम्प है, ये है मरकरी वेपर लैम्प। इसमें देखो, एक ये बाहर की ट्यूब हो गई और एक ये अंदर की ट्यूब है, और ये यू शेप की होती है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि दो ट्यूब होती है इसमें, ये छोटी है अंदर वाली और ये बाहर वाली जो है ये बड़ी ट्यूब है। अब हम इसकी वर्किंग और इसके कंस्ट्रक्शन या इसके सर्किट डायग्राम के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के हेल्प से पढ़ेंगे। सेल के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन किन से पार्ट्स हम यूज करते हैं मरकरी वेपर लैम्प को बनाने के लिए। तो देखिए, मरकरी वेपर लैम्प के कनेक्शन करने के लिए सिर्फ हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारा जो ब्लास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, जो कि हमारी चौक होती है, ठीक है, जो हमें एक नॉर्मल ट्यूबलाइट के अगर कनेक्शन करते हैं तो उसमें भी हमको स्टार्टर चौक और एक जो फ्लोरोसेंट लैम्प होती है उसको, जो रॉड होती है फ्लोरोसेंट रॉड, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सेम जो मरकरी वेपर लैम्प है इसमें भी हमको एक ब्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये ब्लास्ट करता है। ये भी हमारे एक तरह का चौक होता है, इसको हम एक तरीके का ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। ये हमारा हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक ही हमारा यहाँ पे हम इग्नाइटर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इसमें स्टार्टर यूज़ करते हैं, इसमें हम एक इग्नाइटर यूज़ करते हैं, और ये हमारा मरकरी वेपर लैम्प है, ठीक है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन के बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें इसके कनेक्शन की, तो सबसे पहले हम इसके फेस और न्यूट्रल, जो हमारा ये फेस और न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है, एक फेस और एक न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर मैंने ब्लैक कलर से दिखा रही थी आपको, ठीक है। जो आप अगर इग्नाइटर यूज़ करेंगे तो इग्नाइटर में भी अगर दो टाइप के इग्नाइटर आते हैं, एक इग्नाइटर वो होता है जिसमें आपको वायर लगानी पड़ती है, और एक इग्नाइटर वो होता है जिसमें से आपको ये तीन वायर निकाल के मतलब निकली हुई होंगी इसमें। अब मान लीजिए तीन वायर होंगी तो ये तीनों वायर रेड, येलो और ब्लैक, ये तीन कलर में ही होंगी, ठीक है, ये कलर कोडिंग इग्नाइटर की होती है, ओके। और अगर आप इग्नाइटर में वायर नहीं निकली हुई है, वायर कनेक्ट करने का अगर उसमें एक सॉकेट है, ठीक है, पिन है अगर कनेक्ट करने के लिए, अगर जगह देने की है, तो वहाँ पर भी आपको इग्नाइटर में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन से कनेक्टर में आपको रेड वायर कनेक्ट करनी है, कौन से कनेक्टर में आपको येलो और कौन से कनेक्टर में आपको ब्लैक यूज़ करनी है, ठीक है। वो इग्नाइटर में लिखा हुआ रहता है, हर टर्मिनल के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन से टर्मिनल पर कौन सी वायर यूज़ करनी है। तो सेम ब्लास्ट जो होता है हमारा, जो चौक होती है उसमें भी हमारे चार कनेक्टर होते हैं, ठीक है। चार कनेक्टर में अगर आप चौक को सीधा देखेंगे तो उसमें सबसे पहला कनेक्टर हमारा जो होता है इस तरफ से कॉमन होता है। अगर दूसरा टर्मिनल की बात करें हम, तो इसमें 240 वोल्ट रहती है। तीसरे कनेक्टर में 200, और जो चौथा कनेक्टर होता है हमारा ये इग्नाइटर का होता है, ठीक है।
इसमें इग्नाइटर की जो हम जो रेड वाली वायर होती है उसको हम इग्नाइटर से कनेक्ट करते हैं, और 200 वोल्ट यानी कि जो तीसरे नंबर का जो कनेक्टर होता है उसको हम येलो वायर से कनेक्ट करते हैं इग्नाइटर के येलो वाले टर्मिनल से, और 240 वोल्ट का जो टर्मिनल रहता है इग्नाइटर का उसको हम डायरेक्ट फेस देते हैं, ठीक है। फेस हम इस 240 वाले कनेक्टर को डायरेक्ट फेस देंगे, और कॉमन वाले टर्मिनल को हम सीधा लैंप से कनेक्ट कर देते हैं, और लैंप के दूसरे वाले टर्मिनल को हम न्यूट्रल से इग्नाइटर के ब्लैक वाले टर्मिनल पे देते हैं, और उसके बाद इसको न्यूट्रल देते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि न्यूट्रल डायरेक्ट हमने ब्लैक वाले को दे दिया और ब्लैक वाले से एक वायर निकाल करके लैंप में दे दी। ओके गाइस, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, और अगर आप इसके कनेक्शन करने के बाद अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो जो कॉमन वाला टर्मिनल है, कॉमन वाला टर्मिनल और 240 वाले, लेकिन इन दोनों टर्मिनल के बीच अगर आप वोल्टर मेजर करेंगे तो 240 वोल्ट आएगा, ओके। और अगर आप इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो 200 वोल्ट आएगा। तो ये एग्जैक्ट 240 और 200 नहीं आता है, वो हमारे इनपुट पर डिपेंड करता है कि हमारा इनपुट मान लीजिए हम 200 वोल्ट दे रहे हैं तो कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, वैसे अगर हम 220 दे रहे हैं या 240 दे रहे हैं तो वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर हम एसी सप्लाई की बात करें तो नॉर्मली हम 220 लिखते हैं, लेकिन 220 एग्जैक्ट तो आती है नहीं, 230 भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, 210 भी हो सकती है, तो हमारी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज हमारी वेरी करती रहती है, ठीक है। तो अगर हम अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो होता क्या है, जो ये हमारा मरकरी वेपर लैंप है इसके अंदर हमारी जो न्यून गैस होती है और हमारा मरकरी वेपर होता है, तो इसको स्टार्टिंग में जो हमारी न्यून गैस होती है, न्यून गैस को गर्म होने के लिए, है ना, न्यून गैस को गर्म होने के लिए स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज चाहिए होती है, तो वो हाई वोल्टेज तो ये लेगा गर्म होने के लिए, क्योंकि ये हमारा लोड है, ठीक है, हाई वोल्टेज लेगा, लेकिन इस हाई वोल्टेज को कंट्रोल कौन करेगा, वो हमारा करेगा ये ब्लास्ट, ठीक है, इसको हाई वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, और ये इसके अंदर जो न्यून गैस है वो गर्म होने के बाद जब वो गर्म होती है तो स्टार्टिंग में उसका जो कलर होता है वो पिंक होता है, ठीक है, और जैसे जैसे वो गर्म होती जाएगी वैसे वैसे एक आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब जो जलता है तो उसकी जो लाइट होती है सेम इसी टाइप की लाइट हमारी मरकरी वेपर लैंप की हो जाती है, और ये कम से कम ये मान के चलिए अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने कम से कम ये मान के चलिए 10 या 12 मिनट का टाइम लेता है ये अपना फुल मतलब कि ग्लो होने में, ठीक है, अगर फुल चालू होने में ये 10 से 12 मिनट का टाइम ले लेता है। तो स्टार्टिंग में इसको हाई वोल्टेज के लिए हम जो ब्लास्ट यूज करते हैं ब्लास्ट इसको कंट्रोल करता है, और इग्नाइटर का काम ये है कि जिस तरीके से हमारा एक ट्यूबलाइट के हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें चौक और स्टार्टर यूज करते हैं, तो स्टार्टर का काम होता है शॉर्टिंग करना, है ना, एक तरीके का वो स्विच होता है उसके अंदर ही हमारा एक कैपेसिटर भी लगा होता है और एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है जो उसको ऑन और ऑफ करती है ना, जो हीट के साथ जैसे कि ये लोड बढ़ेगा इसका तो इग्नाइटर के अंदर भी क्या होता है एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, और जैसे ये हीट होती है तो उसके कॉन्टैक्ट एक दूसरे को ऑन कर देते हैं, ठीक है। वो ऑन करते ही क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद हमारा जो ये लैंप है ये लैंप जलने लगता है, सेम इसी तरीके से जलने के बाद जैसे हमारा ये लैंप जल जाता है तो इग्नाइटर जिसकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है इसके अंदर वो दोबारा से ठंडी हो जाती है और वो सर्किट को दोबारा से ओपन कर देती है, लेकिन ओपन करने के साथ ही क्या होता है हमारा जो हमने इसको सप्लाई दी न्यूट्रल और फेज दिया ये डायरेक्ट इसको सर्किट यहाँ से इसका कंप्लीट कर देती है, ठीक है। तो इग्नाइटर का काम यही है। तो अब हम एक इसका सम अप करें तो ब्लास्ट और इग्नाइटर दोनों हम जब इसको देते हैं तो क्या क्या होता क्या है कि मरकरी वेपर जब जैसे ही न्यून गैस गर्म होती है तो मरकरी वेपर भी इसका गर्म होता है और वो पूरे लैंप के ऊपर फैल जाता है, तो इस तरीके से हमारी जो रोशनी है वो हमको रोशनी प्रॉपर रोशनी 10 या 12 मिनट में मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे ही जब ये जलने के बाद क्या होता है इसको हाई वोल्टेज से चाहिए होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज 220 वोल्ट पे अगर आप इसको डायरेक्ट लैंप को लगा देंगे तो ये लैंप दोबारा नहीं जलेगा, अगर जलेगा भी तो स्टार्टिंग में ये मान के चलिए ये बिल्कुल हल्का जलता है, ठीक है। अगर आप एक ये मान के चलिए 0 वाट का बल्ब, अगर 0 वाट का जो 5 मतलब 0 वाट का कहते हैं उसको होता है वो 5 या 10 वाट का होता है वो, उसको अगर आप जलाएंगे तो उसकी रोशनी भी ज़्यादा होगी,
जब आप इसको डायरेक्ट फेस से कनेक्ट करेंगे तो इसको डायरेक्ट आप 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए और एक 5 वाट का बल्ब जलाइए, ठीक है, जिसको हम 0 वाट का बोलते हैं। इन दोनों की रोशनी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो भी इसकी रोशनी कम होगी उसके मुकाबले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसलिए क्योंकि 220 वोल्ट ये वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम ब्लास्ट और इग्नाइटर दोनों लगाते हैं ताकि इसको हाई वोल्टेज दी जा सके, ठीक है, इसकी जो न्यून गैस और सोडियम मरकरी वेपर होता है उसको गर्म करने के लिए। और उसके बाद जब ये एक बार जल जाता है तो जलने के बाद इग्नाइटर और ब्लास्ट का काम यही रहता है कि इसके जो इसको वोल्टेज और करंट, दोनों वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करना, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जो ब्लास्ट होता है हमारा, ये चौक होती है हमारी, ये एक तरीके का हमारा ट्रांसफॉर्मर ही होता है इसके अंदर, ठीक है। जो इसकी वाइंडिंग की जाती है वो वायरिंग की होती है, वायरिंग एक तरीके से ट्रांसफार्मर की तरह होती है और वो ट्रांसफार्मर ही होता है। अगर आपने स्ट्रीट लाइट देखी हो तो स्ट्रीट लाइट के अंदर क्या होता है, हमारा एक सोडियम वेपर लैम्प होता है, ठीक है, उसमें हम एक ट्रांसफार्मर ही यूज़ करते हैं, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और इग्नाइटर यूज़ करते हैं, और साथ में हम उसके क्या काम करते हैं, एक कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, ताकि कैपेसिटर का काम वही है कि स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। स्टार्टर, इग्नाइटर और ब्लास्ट दोनों का काम है इसमें, जो हमारी स्ट्रीट लाइट लगी होती है उनमें जो सोडियम वेपर होता है, सोडियम वेपर को स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाना और उसके बाद जब वो जल जाए तो उसके बाद उसकी वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करना। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब आपने देखा कि कैसे मरकरी वेपर लैम्प से लाइट प्रोड्यूस होती है और ये किस यू शेप का लैम्प कहलाता है। ये इसमें दो ट्यूब है, एक इनर ट्यूब है और एक आउटर ट्यूब है। आउटर ट्यूब बिग है और जो इनर वाली ट्यूब है इसे यहाँ पे ही जो गैसेस का है वो डिस्चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे एक मरकरी वेपर है और नियॉन गैस दोनों मिलकर के यहाँ पे ब्लास्ट और इग्निटर की हेल्प से ज़्यादा वोल्टेज के थ्रू आएगा यहाँ पर, तो वो जो मरकरी वेपर है और नियॉन गैस के साथ मिलकर वेपराइज होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से यहाँ, और ये लैम्प को स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और पहले ये पिंक लाइट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद ये येलो सॉरी वाइटिश लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो कुल मिला के ये जो लैम्प है, यहाँ पर जो इग्निटर है वो ट्यूबलाइट का जैसे स्टार्टर का काम होता है वैसा ही है यहाँ पे, और ये जो ब्लास्ट है ये इसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं यहाँ पे, ये एज ए ट्रांसफार्मर ही है यहाँ पे। तो किस तरह से यहाँ पे कनेक्शन हुआ है वो आपने देख लिया कि सिंगल फेज सप्लाई है हमारी, एक वायर फेज है, एक न्यूट्रल है, और वो कैसे कैसे इग्निटर और ब्लास्ट के थ्रू लैम्प से कनेक्टेड है, ये आपके कनेक्शन इसमें क्लियर है यहाँ पे। और ये प्रैक्टिकल जो है, मतलब ये आपका लैब में भी एक प्रैक्टिकल है और ये हमारे कॉलेज में जो लैब है यहाँ पर प्रैक्टिकल मैं करवाया है आपको, और नहीं किया है आपने तो आप इसमें से देख लीजिए कि जिन भी स्टूडेंट ने नहीं किया, तो ये एक प्रैक्टिकल फाइल में भी नोट करने का था कि जो मरकरी वेपर लैम्प है उसकी वर्किंग के बारे में। तो आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, जो था मरकरी वेपर लैम्प के बारे में। थैंक यू।